नमस्कार। लाल सिंह चड्ढा की अगर बात करें दोस्तों, तो अब बैक टू बैक सारे गाने रिलीज हो रहे हैं। 3 गाने आ चुके हैं और आज अभी इस वक्त रिलीज हुआ है 4th गाना, जो कि है तेरे हवाले। कैसा है गाना, क्या आप इसे सुन सकते हैं या सिंपली इग्नोर कर सकते हैं? मैं आपका समय बचाता हूं और इस रिव्यू में वो सारी बातें बताता हूं जो कि मैंने महसूस करी है, और आपको पता है कि मेरा सजेशन सही रहता है। स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में, मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल बोझ। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। आमिर खान साहब ने दोस्तों एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई है जो कि आगे आने वाले दिनों में कई सेलिब्स अपनाते हुए नजर आएंगे। उन्होंने क्या किया ना कि अपने सारे गानों के ऑडियो ट्रैक्स को धीरे धीरे करके पहले ही रिलीज कर दिया। जब जनता के बीच में उन गानों की आदत पड़ गई, जब वो हैबिचुअल हो गए, तब उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं तो उन्होंने उसके थोड़े बहुत विजुअल्स भी निकाले और फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो सॉन्ग्स डाल दिए। अब आमिर खान है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो होगी ही स्ट्रॉन्ग। ऐसे में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो तेरे हवाले गाने को रिलीज किया गया है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव। ओहो, जब इन दोनों का नाम आता है दोस्तों तो कानों में मिश्री घुल जाती है। और अरिजीत सिंह तो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगर्स में से एक है, जो कि अपनी आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। दोस्तों आपको बता दूं तो इस पर्टिकुलर गाने में आमिर खान साहब और करीना कपूर की केमिस्ट्री दिखाई जाएगी। जी हाँ, क्योंकि ये गाने का जो व्यू पॉइंट है वो एक लड़की और एक लड़का जब इश्क में होते हैं। प्योर एंड प्योर पंजाबी में है ये दोस्तों गाना, और ऐसी पंजाबी है कि आप इजीली उसे सुन भी सकते हैं और यू नो आपको मेमोराइज भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई टफ पंजाबी है, ठेठ पंजाबी जिसे कहते हैं हम। तो ऐसे में दोस्तों ये गाने के बोल जो हैं वो दिल को छूते हैं, और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों लिरिसिस्ट ने इतना बढ़िया काम किया है, इतना बढ़िया कि भाई इस गाने को तो कुछ ना कुछ अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से खोल के जो दिखाया है, मतलब एकदम से जो एक्सपोज किया है, इट्स लाइक अमेजिंग, टोटली अमेजिंग। सो यस, दिस सॉन्ग आई मस्ट से इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग एवर। आप लोग सुनिए, गाना बहुत अच्छा है, बार बार आप लूप में सुनेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस गाने की डीप मीनिंग क्या है। सो मेरी तरफ से तो पास है गाना, आप लोग जरूर सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। चलता हूं मैं।